हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एशिया कप 2023 के बारे में, जो हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। ये जो एशिया कप है वो मेंस क्रिकेट का था, तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एग्जाम में यदि कोई भी प्रश्न आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, इतना आप हमसे उम्मीद रखिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान? तो जो 2023 की विजेता टीम हो जाएगी वह हो जाएगी भारत, और उप विजेता कौन हो जाएगा? उप विजेता हो जाएगा श्रीलंका। इतना आपको ध्यान रखना है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत, और उप विजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एशिया कप 2023 का जो फाइनल मुकाबला है किन दो देशों के बीच में खेला गया है? पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, जो एशिया कप 2023 का फाइनल है वह भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया है, जो कि विजेता टीम कौन बनी है? भारत, और उप विजेता टीम बनी है श्रीलंका। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि विजेता टीम कौन सी है, भारत, और उप विजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका। और दूसरा क्वेश्चन अभी कह रहा है, एशिया कप 2023 का जो फाइनल मुकाबला है किन दो देशों के बीच में खेला गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया है। यदि हम बात करें भारत की, तो अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? ठीक है, तो 8 बार जीत चुका है। श्रीलंका की बात करें तो 6 बार जीत चुका है, और हम पाकिस्तान की बात करें तो वह 2 बार एशिया कप जीत चुका है। ठीक है, इतना भी बात आपको ध्यान रखना है। भारत कितनी बार जीता है? 8 बार एशिया कप जीता है। श्रीलंका 6 बार, और पाकिस्तान कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। अच्छा, जो इस बार एशिया कप 2023 हुआ है वो कौन सा संस्करण था? तो वह आपका 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? हमें लगता है इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, कौन सी टीम रही है? श्रीलंका रही है। एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? श्रीलंका रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एशिया कप 2023 यह एशिया कप का कौन सा संस्करण था? तो मुझे लगता है इसका भी आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एशिया कप 2023 जो अभी हुआ है वह कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, एशिया कप 2023 को किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या दोनों, बी और सी। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है। जो एशिया कप 2023 है इसमें कितने टीमों ने भाग लिया है? तो इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी टीम है, तो मैं अभी फिलहाल इतना बताता हूँ कि एशिया कप 2023 में 6 टीमों ने भाग लिया है। और एशिया कप 2023 को किस देश में आयोजित किया गया है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, एशिया कप 2023 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? मैंने अभी आपको बताया कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। वो टीम कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटो लगा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। मैंने आपके लिए फोटो लगा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एशिया कप 2023 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन? मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और फोटो भी मैंने लगा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो कौन कौन टीमें हो जाएंगी? इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये जो 6 टीमें हैं एशिया कप 2023 में इन्होंने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सभी को पता ही होगा, रोहित शर्मा एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है हमारा,
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1980 में, 1983 में, 1986 में या 1981 में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1983 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद कर लीजिए, कब की गई थी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्लियर कर लीजिए इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत ने अब तक कुल कितनी बार एशिया कप टूर्नामेंट जीता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कितनी बार, 8 बार जीता है। अच्छा, 8 बार कब कब जीता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, 1984, 1988, 1991, 1995, फिर 2010 में, फिर 2016 में, फिर 2018 में, फिर हाल ही में 2023 में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हो गया। भारत ने अब तक कुल कितनी बार एशिया कप टूर्नामेंट जीता है? अब आपको याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, कितनी बार, 8 बार जीता है। कब कब? 1984 में, 1988 में, 1991 में, 1995 में, 2010, 2016, 2018 और हाल ही में जो खत्म हुआ है 2023 में भारत ने एशिया कप टूर्नामेंट जीता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एशिया कप 1984 में भाग लेने वाले तीन देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत, हांगकांग और श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। यह एशिया कप 1984 में भाग लेने वाले तीन देश थे। ठीक है, याद रहेगा आपको, 1984 में जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन से तीन देश शामिल थे? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में किस देश ने जीता था? पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या भारत ने? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत ने एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एशिया कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? आपको पिक्चर देखकर पता लग ही गया होगा कप्तान कौन थे, सौरव गांगुली। ठीक है, इसमें सॉरी सुनील गावस्कर, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। सुनील गावस्कर कप्तान थे। एशिया कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन हो जाएंगे? सुनील गावस्कर हो जाएंगे। गलती से मुझसे निकल गया सौरव गांगुली, तो उसके लिए सॉरी, सुनील गावस्कर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 23, 25, 27 या 26? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, 25। चलिए आगे देखते हैं, एशिया कप के किस संस्करण में पहली बार सभी मैच T20 फॉर्मेट में खेले गए थे? यह जो एशिया कप है वह हमेशा 50 ओवर का खेला जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, पहली बार सभी मैच T20 फॉर्मेट में कब खेले गए थे? 2006 में, 2012 में, 2016 में या 2014 में? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, 2016 में एशिया कप में पहली बार सभी मैच T20 फॉर्मेट में खेले गए थे। कब खेले गए थे? 2016 में। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, बांग्लादेश एशिया कप में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1987, 86, 82 या 84 में? कब जो बांग्लादेश है वह एशिया कप में किस वर्ष शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, 1986 में जो बांग्लादेश है वह एशिया कप में शामिल हुआ था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सबसे पहली बार एशिया कप का आयोजन किस देश में किया गया था? आप सभी को पता है सबसे पहली बार एशिया कप किसने जीता था? भारत ने ही जीता था 1984 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहली बार एशिया कप का आयोजन किस देश में किया गया था? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 1984 में कहाँ, यूएई, भारत विजेता था, उप विजेता श्रीलंका था, फिर 1988 में बांग्लादेश में हुआ था, भारत विजेता था और उप विजेता श्रीलंका था, 1990-91 में भारत मेजबान था, विजेता कौन रहा, भारत, और उप विजेता कौन था, श्रीलंका। आप यहाँ पे फोटो के माध्यम से देख सकते हैं 2018 तक का यहाँ पे
डाटा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप में किस वर्ष शामिल हुए थे, 2003 में, 2001 में, 2005 में या 2004 में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात एशिया कप में शामिल हुए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एशिया कप कितने समय अंतराल के बाद आयोजित होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, एशिया कप हमेशा दो वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है। कितने? 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है एशिया कप। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका कोलंबो में एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वर्तमान समय में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसा भारत, ये इनका फोटो है लगा हुआ है, जैसा यह वर्तमान समय में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एशिया कप 2023 के अंतिम मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज को एशिया कप 2023 के अंतिम मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, इन्होंने 6 विकेट लिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुभमन गिल। देखिए यहाँ पे मैंने तस्वीर लगा दिया है, ठीक है, शुभमन गिल जो है उन्होंने 6 मैच में 302 रन बनाए हैं और बेस्ट स्कोर रहा है उनका 121। दूसरे नंबर पे आते हैं कुशल मेंडिस, जो कि श्रीलंका के हैं, 6 मैचेस खेले, रन 270 रन बनाए और बेस्ट स्कोर रहा इनका 92। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं समर विक्रमा, जो कि ये भी श्रीलंका से हैं, इन्होंने भी 6 मैचेस खेले और रन 215 रन बनाए हैं और बेस्ट स्कोर इनका रहा है 93। मैंने फोटो लगा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सारे तस्वीर क्वेश्चन पे लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। एशिया कप विजेता 2023 के लिए पुरस्कार राशि क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 150,000 अमेरिकी डॉलर, यदि भारतीय रुपए में बात करें तो 1.24 करोड़ रुपए। ठीक है, यदि बात करें उप विजेता टीम को कितना मिला है, तो उप विजेता टीम को हो जाएगा 75,000 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 75,000 अमेरिकी डॉलर उप विजेता टीम को मिला है। यदि बात करें भारतीय रुपए में तो 62.35 लाख रुपए दिए गए हैं। कितना? 62.35 लाख रुपए दिए गए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, एशिया कप जो विजेता 2023 के लिए पुरस्कार राशि है 150,000 अमेरिकी डॉलर, इसको भारतीय रुपए में 1.24 करोड़ रुपए, और जो उप विजेता टीम रही है उसको 75,000 अमेरिकी डॉलर दिया गया है, यानी भारतीय रुपए में बात करें तो 62.35 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है, बस यहीं तक क्वेश्चन था आज का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, हर क्वेश्चन पे एक फ़ोटो लगा दिया जाता है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो इसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, तो आप इतना मेहनत कर सकते हैं हमारे लिए तो कर दिया करिए। कमेंट करके ये बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, या कोई डाउट हुआ करे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए सच में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बता दूँ टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा मॉडर्न क्लासरूम मनीष मौर्य, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सर्च करिएगा, या तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि वहाँ पे कुछ पूछना हो तो वहाँ पर भी नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।